ट्विटर पर आज एक अजीब बात देखने को मिली। जिस शख्स ने सुशांत सिंह राजपूत मामले को सीबीआई तक पहुंचाया, जिसने इस पूरे केस में एक अहम रोल निभाया, उस शख्स के गिरफ्तारी की डिमांड हो रही है। डॉक्टर स्वामी को अरेस्ट करने के लिए आज ट्विटर पर एक हैशटैग काफी ट्रेंड कर रहा है, अरेस्ट डॉक्टर स्वामी करके। ये हैशटैग तब से ट्रेंड कर रहा है जब से एक एडवोकेट जिसका नाम है विभोर आनंद, उसने एक ट्वीट किया जिसमें उसने लिखा कि डॉक्टर स्वामी जो है वो एम्स की रिपोर्ट को बदलने का दबाव बना रहे हैं। इसी में उन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग किया है, होम मिनिस्टर को टैग किया है और कहा है कि डॉक्टर स्वामी को जल्द से जल्द अरेस्ट करो और इसके साथ काम करने वालों को भी अरेस्ट करो। जाहिर सी बात है, ये इशारा ईशिकरण भंडारी की तरफ है, क्योंकि डॉक्टर स्वामी ने ही ईशिकरण भंडारी को इस पूरे मामले की छानबीन की जांच दी थी और पीआईएल दायर की थी। अब इन दोनों के अरेस्ट की डिमांड की जा रही है। विभोर आनंद का कहना है कि ये एम्स वालों पर दबाव बना रहे हैं अपनी रिपोर्ट को चेंज करने के लिए। क्या आपको वाकई में लगता है कि एम्स वालों पर इस तरह से दबाव बनाया जा सकता है? ये एक निष्पक्ष एजेंसी है जो अपने हिसाब से काम करती है और जो सच होगा वही सामने आएगा। ऐसे में क्या विभोर आनंद ने ये जो बात कही है ये सही है? विभोर आनंद की इस बात के बाद काफी लोगों ने डॉक्टर स्वामी के अगेंस्ट में ट्वीट किया। वहीं एसएसआर केस में जो डॉक्टर स्वामी ने प्यार पाया है, उन लोगों ने डॉक्टर स्वामी को फेवर किया है और विभोर आनंद को बुरी तरीके से स्लैम किया है। विभोर आनंद ने इस ट्वीट के बाद डॉक्टर स्वामी का एक और ट्वीट शेयर किया। वो ट्वीट आज ही डॉक्टर स्वामी ने किया था। डॉक्टर स्वामी ने बताया कि किस तरह से आज पार्लियामेंट में जब वो महाराष्ट्र के एमपी से मिले तो उन्होंने बताया कि बॉलीवुड के बड़े बड़े दादा जो है वो सख्ती में आ गए हैं। जिस तरह से अभी एनसीबी, ईडी और सीबीआई छानबीन कर रहा है, उससे पूरा बॉलीवुड सहमा हुआ है। और डॉक्टर स्वामी ने यह भी खुलासा किया है कि मीडिया में खूब सारा पैसा मीडिया को खिलाया गया है, जिससे मीडिया जो रिपोर्ट है उसको उनके हिसाब से प्रेजेंट करे, यानी कि यहाँ पर भी फ्रेंडली मीडिया की हेल्प ली जा रही है। ये ट्वीट डॉक्टर स्वामी ने किया, जिस ट्वीट का स्क्रीनशॉट विभोर आनंद ने शेयर करते हुए कहा कि मैंने जब कहा कि डॉक्टर स्वामी एम्स की रिपोर्ट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद डॉक्टर स्वामी को इसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मीडिया जो है वो अब एम्स की रिपोर्ट को गलत तरीके से बता सकती है, क्योंकि उनको बॉलीवुड की तरफ से बड़े बड़े दादास की तरफ से पैसा खिलाया गया है। नो डाउट सुशांत सिंह राजपूत केस में डॉक्टर स्वामी जो है इस पूरे मामले के टॉर्च बियरर रहे हैं। उन्होंने ही मामले को आगे तक बढ़ाने में काफी मदद की है। ऐसे में अब जब एम्स की रिपोर्ट आज आ चुकी है, सीबीआई को यह रिपोर्ट सौंप दी जा चुकी है, यानी कि एम्स वालों को और सीबीआई की टीम को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मर्डर से हुई या फिर एक सुसाइड था, ये खुलासा इन लोगों के बीच में तो हो चुका है और जल्द ही यानी कि अगले हफ्ते ही ये खुलासा लोगों के बीच में भी कर दिया जाएगा, तो उससे तुरंत पहले ये एक नई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी होती नजर आ रही है।